दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर एक नई वीडियो और न्यू एक चीज आपके सामने दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। GT Media V8 Finder 2, ठीक है दोस्तों, ये काफी ट्रेंडिंग में था फर्स्ट, लेकिन अब GT Media V8 Finder 2 मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या फैसिलिटी है। छोटा पोर्टेबल से आप सेटअप बॉक्स भी बोल सकते हैं, छोटा आप इसको टीवी भी बोल सकते हैं, और बहुत बढ़िया ये है, ये आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। फुल HEVC है, फुल पावर व्यू है, फुल बिस्की है, जो जैसे हेलो बॉक्स 8 के अंदर होता है। 8 बिट का दोस्तों आपको ये सैटेलाइट फाइंडर मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या खासियत है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, आप इसे अटैच करके अपना टीवी भी चला सकते हैं। आप इसकी सेटिंग 8A2Z दोस्तों मैं GT मीडिया सैटेलाइट फाइंडर के बारे में बताऊंगा। V8 2 बहुत बेहतरीन दोस्तों मीटर है ये, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ लिमिटेड ही आए हैं हमारे पास, सिर्फ 5 पीसेस ही आए हैं। हमने ऑर्डर करे थे कम से 50 पीस, लेकिन 5 पीस ही आए हैं, लिमिटेड ऑर्डर है। आपको चाहिए तो दोस्तों प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करे, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी मिलती है कि आप मेरे इस चैनल को देखते हैं। जहां दिल करे वहां कॉमेंट करे, मैं यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या क्या निकलता है इसके अंदर और क्या क्या इसमें फैसिलिटी है दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं इसको ओपन। तो यहां से दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं, आप ये देख सकते हैं GT मीडिया वारंटी कार्ड, या जब इसे आप सेल करें तो मैं भर के दे सकता हूं, वरना आप अपने घर पे भर सकते हैं, ठीक है। इसे करता हूं साइड। यूजर मैनुअल है V8 फाइंडर 2, ठीक है दोस्तों। इसमें कई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी तो नहीं है, रशियन वगैरह और ETC काफी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका प्यारा सा छोटा सा आपका सेटअप नया है ना, तो ये पन्नी बबल्स में है। पहले इसको साइड करता हूं, इसकी फैसिलिटी आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको साइड कर लेता हूं दोस्तों। तो इसके अंदर एक हमें मिलेगा USB केबल, जो हम इस सेटअप बॉक्स में लगा के यहां पर चार्ज कर सकते हैं। आपके पास सेटअप बॉक्स में भी आप अटैच कर सकते हैं बिल्कुल, ये मैं इसकी भी आपको डिटेल दूंगा, लेकिन पहले साइड करता हूं। और एक आपको ये क्लिप, ये कनेक्टर भी मिलेगा, इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं बॉक्स को करता हूं साइड, तो हम डायरेक्टली मीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मीटर बाहर निकाल लिया है, अब पन्नी भी मैं साइड कर देता हूं, और ये चीज कनेक्टर, ये भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे होगा। कुछ भाई लोग खरीद चुके हैं और यूज भी कर रहे हैं, तो पहले मैं कनेक्टर के बारे में बताता हूं। ये आप डायरेक्टली किसी भी मोबाइल में लगा सकते हैं और डायरेक्ट इसमें लगाकर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये रख देता हूं साइड में। ये क्लिप है, इसकी भी मैं आपको बात बताता हूं। ये हमने खोली, ये जो कनेक्टर है दोस्तों किस चीज में काम आता है, ये कनेक्टर इसमें काम आता है। कई बार क्या होता है हमारा जैक खराब हो जाता है, हमें मीटर चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसकी ये आप इसमें लगा सकते हैं बड़े आसानी से। देखेंगे दोस्तों इसमें आप, पहले चूड़ी आ रही थी, अब चूड़ी भी नहीं आ रही, ये भी अच्छी फैसिलिटी है। मैं इसे कसता था, कसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो इसको अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्टर कस के आप जो है आपका जो भी खराब होगा, ये खराब होगा आप अलग से परचेज करना, ये मेरे से कर सकते हैं दोस्तों, मिल जाएगा मेरे पास। मेरे पास A to Z आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारा मिलेगा, डिस्क से लेके सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो चीज थी काम की, अब मैं इसे कर लेता हूँ ओके, ऑन कर लेता हूँ दोस्तों इसको मैं, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना सैटेलाइट फाइंडर ऑन हो चुका है। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। देखो दोस्तों, पहले तो हमारे पास था इसकी स्क्रीन थोड़ी इतनी बड़ी नहीं थी, थोड़ा सा कम दिखता था, जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्री सेट का है, ये GT मीडिया का है दोस्तों, ठीक है। ये देखेंगे दोस्तों ये कितना छोटा दिख रहा है और कितना बड़ा दिख रहा है ना, सारे जो इसमें सिस्टम है बड़े आ रहे हैं। तो इसको मैं साइड करता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा अगर आपको कॉमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंस्टॉलेशन करके दोस्तों T2 MI20 की पावर UTC हिसाब है, वो भी मैं आपको इसमें चला के दिखाऊंगा। अलग से इनका मीडिया सेंटर आप कोई भी अपने आप से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें टूल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब से अपग्रेड कर सकते हैं, फुल वर्जन है दोस्तों। तो मैं आपको इसमें एक चीज पहले और करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। तो यहां से दोस्तों आपके पास कोई भी अगर USB पड़ी है आपके पास, तो आप उसको लगा के इसको जो है चला सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कर लिया अटैच, और Wi-Fi प्लग इन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन है, फिर यहाँ जाएंगे दोस्तों। तो ये क्या चीज है दोस्तों, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अंदर जो लूप सर्च है, सबसे बेस्ट जो मेथड है दोस्तों, वो आपको बताया गया है इसके अंदर। ये लूप कोई भी आपको, जैसे सपोज करो आपने D2H लगाना है या फ्री डिश लगाना है, तो यहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं, और यहां से जहां भी आप इसको
वायर, ये सपोज करो वायर जा रही है, वायर में लगाएंगे तो यहाँ पता चल जाएगा वायर बीच में से कट है या नहीं है। ये बहुत अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। फिर डिस्क कैलकुलेटर, आप कहीं भी खड़े हो गए अलग से जूम और एलिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं कहाँ है, वो अपने आप बता देगा आपको इंडिकेटर। ये फैसिलिटी है दोस्तों इसके अंदर। फिर चैनल देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें, सपोज कर मैं आपको डिश की वायर लगा के दिखाऊंगा क्योंकि T2 MI है ये बताने के लिए मुझे 49 इस लगाना पड़ा। और ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ रही है, वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसके अंदर YouTube चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐप में देखेंगे आपको यहाँ पे YouTube मिल जाएगा दोस्तों आप इस मीट। तो देख सकते हैं दोस्तों YouTube हमारा चल चुका है इसके अंदर, हम कुछ भी हम आसानी से सिस्टम करते हैं बैक, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी दोस्तों काफी टाइम। और चलो तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, फिर दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो मैंने यहाँ से वाईफाई हटा दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं क्या क्या चीजें मिलेगी। यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं इसको, ये USB है, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट करके आप वाईफाई या डोंगल जो भी देख सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है। ये सिस्टम भी है, अगर आपको ये बटन, क्योंकि दोस्तों इसमें उल्टा लगा रखा है क्योंकि नया है तो नए जनरेशन के लिए आप उसको निकाल के उसको उल्टा चेंज भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। फिर HDMI, ठीक है दोस्तों, यहाँ से HDMI कनेक्ट करके आप टीवी में देख सकते हैं दोस्तों। सेटअप बॉक्स का भी ये काम करेगा, AV आउट अगर आप नॉर्मल टीवी है तो AV आउट में लगाइए और AV इन में आप टीवी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। ये रही इसकी बात। अब दोस्तों ये T2 MI है, फुल पावर व्यू बिस्क है, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 49 इंच से मैंने ऊपर लगाई हुई है, अभी ट्रैकिंग करके आया था तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा रेन टीवी चल रहा है। कोई अपने भाई होंगे तो उनको भी खैर पता होगा कि रेन टीवी ये जो चल रहा है ये सिर्फ T2 MI ऑप्शन में चलते हैं। देखेंगे दोस्तों सारे के सारे चल रहे हैं हमारे, और ये 4 फीट डिस्क की स्कैनिंग है दोस्तों ये, और इसमें मेरे को 26 चैनल प्राप्त हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। टीवी भी अपलोड ऑन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं सब मेरा पसंदीदा रेन टीवी भी इसके अंदर है दोस्तों। RTR प्लांटा TV3 ETC आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, फटाफट दोस्तों मेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन व्हाट्सएप पे जाइए और मेरे को मैसेज करिए जिसको खरीदना दोस्तों। लिमिटेड सिर्फ 5 पीसेस पड़े हैं और मुझे इतना अच्छे से पता है, मैं वीडियो डालूंगा 5 पीस मुझे पता आज ही मेरे निकल जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको DVS Finder 2 वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो के साथ, प्लीज चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाए मेरा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रोमांचक वीडियो के साथ।